हालिया बारिश से पूरे प्रदेश की सड़कों की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और कई स्थानों पर तो इन गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं भी होने लगी हैं। मध्य प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि खराब सड़कों को ठीक करने के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन तय कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारियों से कह दिया गया है कि 30 नवंबर के पहले बारिश से खराब हुई प्रदेश की सारी सड़कें दुरुस्त कर दी जाएं। वहीं श्री वर्मा ने कहा कि नेशनल हाईवे की सड़कों को दुरुस्त करने का काम प्रदेश सरकार का नहीं है, फिर भी वे कोशिश करेंगे कि सभी सड़कें ठीक हो जाएं। देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वर्षा मंदसौर और नीमच में हुई थी, आप जाके देख लें। सबसे पहले मैंने काम वहाँ चालू कराया, लगभग सारी सड़कें दुरुस्त वहाँ की हो गई हैं, 60% सड़कें दुरुस्त हो गई हैं। 30 नवंबर डेडलाइन दिए मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि 30 नवंबर के पहले ही प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अब मैं हमारे प्रदेश से तमाम नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। बहुत सारे नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं, वो भी हमारे माथे भी कलंग की तरह रहते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार एक पैसा भी नहीं दे रही है उन्हें ठीक करने का।